ओके सो एंटी फंगल्स जैसे कि मतलब अभी हम लोगों ने बोला कि क्या होता है वी केम टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ द एंटी फंगल्स जैसे कि बेसिकली इफ वी सी ब्रॉड कैटेगोराइजेशन देयर आर एजोल्स एजोल्स में जैसे कि फ्लू आ गया इट्राकोनाजोल आ गया वोरीकोनाजोल uh, आ गया इट इज इट इज ऑल्सो एन एजोल कैसपो फंगीन्स आता है ठीक है कैसपो फंगइनो रहता है ठीक है इकाइनो में कैसपो आ गया या फिर फाइव फ्लू साइटोसिन भी आता है तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है एंटीफंगल्स का बट द प्राइमरी क्वेश्चन जो होता है कि वाई डू वी नीड एंटीफंगल्स क्या जरूरत है आईसीयू में आईसीयू में या फिर मतलब किसी को भी क्या जरूरत है एंटीफंगल्स का तो अगर हम लोग ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की बात करें ना तो इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इन एनी सेटिंग वार्ड आईसीयू सब में ठीक है आईसीयू में प्रीडामिनेंटली जैसे कि आईसीयू में मोस्ट कॉमन क्या होता है एसिनोटोबैक्टर होता है उसके बाद क्लेब्शेला होता है उसके बाद स्टेफ होता है और उसके बाद कैंडिडा होता है ठीक है तो दिस इज अ फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इन आईसीयू इट इज मोर देन सीडोमोनास स्यूडोमोनास आप लोग सब सुना है ना आईसीयू में हर बार देखता है इट इज मोर देन स्यूडोमोनास तो दैट एक्सप्लेन्स द नेसेसिटी ऑफ एन एंटीफंगल समझ में आ गया कि बिकॉज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इन आईसीयू तो इसमें मोस्ट कॉमन इंडिया में क्या है कैंडिडा एल्बिकेंस का नाम सब लोग जानते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस है इंडिया में मोस्ट कॉमन गलत है ठीक है इंडिया में नॉन एल्बिकेंस ज्यादा कॉमन है नॉन एल्बिकेंस में क्या क्या आता है कैंडिडा क्रूजे आ गया कैंडिडा ग्लेबराटा आ गया कैंडिडा और आ गया और इन ऑलमोस्ट लास्ट जो डेटा टू का है आई का उसमें बोलते हैं सेवेंटी इज नॉन एल्बिकेंस एंड ओनली थर्टी इज एल्बिकेंस जो टू का डाटा है बट मैक्सिमम टेक्स्ट में देखोगे तो 60 टू 70 परसेंट एल्बिकेंस होता है और बाकी 40 नॉन एल बट ये इंडिया का डाटा है बट स्टिल वी आर यूजिंग फ्लूकोनाजोल जबकि कैंडिडा नॉन एल्बिकेंस में क्रूजेन एल्बिक्लेबराटा आर इंट्रेंजिकली रेजिस्टेंट टू फ्लूकोजोल वो फ्लूकोनाजोल काम ही नहीं करेगा उन लोगों में थी? अब आपके किस पेशेंट को जरूरत है एंटीफंगल की दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हाउ डू वी कैटेगराइज द पेशेंट अबाउट द नीड फॉर एंटीफंगल्स तो और वेन टू स्टार्ट एंटी फंगस टू बी मोर स्पेसिफिक इसके लिए बहुत सारा स्कोरिंग्स आता है एक सबसे कॉमन स्कोरिंग होता है कैंडिडा स्कोर कैंडिडा स्कोर में चार कॉम्पोनेंट है वन इज मल्टीफोकल कॉलोनाइजेशन दूसरा है टीपीएन तीसरा है सर्जरी चौथा है सेक्सेस चारों वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को मल्टीफोकल कॉलोनाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी फंगस अगर हमारे ट्रेकिया कोलोनाइज कर दे रेक्टम को कोलोनाइज कर दे या फिर स्किन को कोलोनाइज कर दे एग्जिला को कोलोनाइज कर दे लिवर को कोलोनाइज कर दे स्प्लीन को कोलोनाइज कर दे तो इसको बोलते हैं मल्टीफोकल कोलोनाइजेशन या ब्लड को कोलोनाइज कर रहे तो आपको कैसे पता चले है? कल्चर में पता चल जाएगा यूरिन में पता चल जाएगा स्वाब में पता चल जाएगा बाल में पता चल जाएगा कैसे पता चलेगा इसको बोलते हैं मल्टीफोकल कोलोनाइजेशन दूसरा क्या है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन टीपीएन किसी पेशेंट को टीपीएन चल रहा है वेरी हाई रिस्क ऑफ अकॉर्डिंग टू फॉर फंगल इन्फेक्शन सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स या सेप्सिस है अब जो ये कैंडिडा स्कोर आया था ना तो इसमें बोला गया कि हम मल्टीफोकल कॉलोनाइजेशन टीपीएन और सर्जरी को एक एक पॉइंट देंगे और सेप्सिस को दो पॉइंट देंगे सेप्सिस को दो पॉइंट देंगे ठीक है क्या आ अच्छा सेप्सिस को दो पॉइंट देंगे अब इसका स्कोरिंग का क्या है कि इफ द कैंडिडा स्कोर इज मोर देन 2.5 पॉइंट फाइव डैट मीन्स आपको पेशेंट को एंटीफंगल देना है आप फ्लूकोनाजोल दो कैस्पोफंगिन दो कुछ भी दो आपको देना है तब तो, तो हर पेशेंट जो सेप्सिस का होगा सबको देना हो जाएगा क्योंकि आपका मतलब किसी ना कि, कि, किसी सेप्सिस तो निकल ही आएगा सेप्सिस आ गया मतलब दो पॉइंट आ गया और पॉइंट फाइव कहीं और से निकल जाएगा हल्का फुल्का कभी सर्जरी हुआ है कुछ हुआ है तो आपका स्कोर तो वो पूरा ज्यादा हो जाएगा टू पॉइंट फाइव से ज्यादा हो जाएगा डैट इट विल नेसेसिटेट द नीड ऑफ एंटीफंगल इन ऑलमोस्ट ऑल यर पेशेंट्स विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट तो इसके लिए फिर इसको मॉडिफाई किया गया कि भाई ठीक है वी कांट रिलाई ऑन द कैंडिडा स्कोर फॉर इनिशिएशन ऑफ एंटीफंगल्स कि किस पेशेंट को हमें फ्लूकोनाजोल देना है या कैसपोफंग देना है या फिर इकाइनोकैंडिन देना है एनी डुलाफंग वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो उसमें हम लोग कैंडिडा स्कोर देखते हैं अब कैंडिडा स्कोर जब बोले कि ओवर सेंसिटिव डायग्नोसिस है कि तो हर पेशेंट में हमें फ्लूकोनाजल स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर आया एक कॉलोनाइजेशन इंडेक्स कोलोनाइजेशन इंडेक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ साइट्स कॉलोनाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स टेस्टेड ये होता है कॉलोनाइजेशन इंडेक्स अब ये अब वो लोग कैसे हम टेस्ट करेंगे इसमें आप चार साइट से भेज दो आप एक्जिला का एक निकाल के भेज दो थ्रो बाल का निकाल के भेज दो या थ्रोट स्वाप निकाल के भेजो रेक्टम का एक निकाल के भेज दो ब्लड का एक भेज दो और यूरिन का एक भेज दो चार या पांच साइड से आप भेज दो टोटल नंबर ऑफ साइट टेस्टेड फाइव हो गया और आपका टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव उसमें कितना पॉजिटिव आ रहा है फॉर फ़ंगस दो दो पॉजिटिव आगे एक पॉजिटिव आएगा कुछ ना कुछ आएगा इसको आप डिवाइड करके आ जाएगा आपका कोलोनाइजेशन इंडेक्स तो कोलोनाइजेशन इंडेक्स देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि, कि किसको देना है वो अगर मतलब 50 परसेंट से ज्यादा है 60 परसेंट से ज्यादा है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को फ्लू बनता है देन अब क्या होता है ना कि आपका अगर फोर के पार्टी में होता है तो बहुत लोग अगेंस्ट की पार्टी में भी होता है तो ये सारा स्कोरिंग्स जब भी आप आता है ना तो उसके अगेंस्ट में ज्यादा लोग खड़ा हो जाते हैं बेकार का स्कोरिंग है ठीक है तो लोगों ने बोला ये भी ओवर सेंसिटिव डायग्नोसिस है इसमें हर बार आप चार चार सैंपल भेजोगे कि भाई हम क्या करते हैं इसके लिए इसका क्या है करेक्टेड कोलोनाइजेशन इंडेक्स जिसमें कि कोलोनाइजेशन इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ हेविली कोलोनाइज साइट से वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ साइट्स टेस्टेड है उसको करेक्टेड कॉलोनाइजेशन इंडेक्स बोला जाता है तो करेक्टेड कॉलोनाइजेशन इंडेक्स से भी हम कैलकुलेट कर सकते किस पेशेंट को एंटीफंगल की जरूरत है या नहीं है ठीक है तो एक हो गया कैंडिडा स्कोर कैंडिडा स्कोर में क्या क्या हो गया मल्टीफोकल कॉलोनाइजेशन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन सर्जरी सेप्सिस चार में से अगर आपका कोई भी ढाई पॉइंट है मतलब आप उसको फ्लोकोनाजल दे दो या फिर आगे कोलोनाइजेशन इंडेक्स जो कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइट्स पॉजिटिव डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ साइट्स टेस्टेड इसमें अगर आपका 60 परसेंट फिफ्टी परसेंट से ऊपर आ रहा है तो आप स्टार्ट कर दोगे फिर आगे करेक्टेड कोलोनाइजेशन इंडेक्स तो लोगों को क्या ना इस समय में थोड़ा वो मच, क्या रहता है कि और कुछ करना है इसमें तो इसके लिए और एक नया स्कोर आया जिसको भी बोलते हैं क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल में क्या होता है कि अगर पेशेंट को कोई भी तरह का एंटीबायोटिक मिल रहा है और या फिर किसी भी तरह का आपको सेंट्रल वीनस कैथेटर है जो कि आईसीयू के हर पेशेंट में लगा रहता है तो इन दोनों के साथ में अगर कोई भी एक पॉइंट हो जाए जैसे कि अगर उसको टीपीएन मिल रहा है सर्जरी हुआ है सेप्सिस है स्टेरॉइड्स पे पेशेंट है तो इन चारों पॉइंट्स में अगर एक या दो भी पॉजिटिव आ जाए तो आप उन सबको स्टार्ट कर दो तो एंटीबायोटिक तो उनमें हमारे सारे पेशेंट को मिलता है सेंट्रल लाइन ऑलमोस्ट सारे पेशेंट को रहता है और इन चारों पॉइंट्स में अगर एक या दो पॉजिटिव आ जाए तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए तो ओवरऑल इस चार्ट्स को डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि आपके ज्यादातर पेशेंट उस कैटेगरी में मिल जाएंगे जिनको आपको एंटीफंगल स्टार्ट करना है ठीक है तो आईसीयू में एंटीफंगल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतना लीथल होता है ये और इसका एट्रीब्यूटेबल इज ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट अगर किसी को कैंडिडेट इन्विजिव कैंडिडियासिस हो जाता है दस पेशेंट में सात पेशेंट को मार डालेगा इतना खतरनाक है This is also one more reason कि क्यों एंटीफंगल देना होगा अब आ जाओ कि एंटी -फंगल तो देंगे, लेकिन उसमें क्या देंगे कब देंगे, कैसे देंगे। तो ये, ये आप, आप के लग रहा कोलोनाइजेशन इंडेक्स करेक्टेड कोलोनाइजेशन इंडेक्स क्लिनिकल प्रशन रूल या फिर कैंडिडा स्कोर इतने कॉम्प्लिकेटेड स्कोर बता रहे हैं नहीं उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा रिस्क फैक्टर्स है

ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये चार पांच चीजें अगर किसी में आपको मिलती है तो आप अग, अगले दिन सोचना स्टार्ट करो भाई इसको तो हमें देना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है लेंथ ऑफ आईसीयू स्टे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीफंगल्स इन आईसीयू ठीक है अगर आपको लेंथ ऑफ आईसीयू स्टे इज मोर देन सेवन डेज देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर द पेशेंट फॉर एंटीफंगल्स इन ऑल पेशेंट्स स्पेशली उसको एंटीबायोटिक मिल रहा है उसको सेंट्रल लाइन पड़ा हुआ है तब तो आपको सोचना ही सोचना है कि इसका कैंडिडेट स्कोर कितना है आप कैलकुलेट करो और कुछ स्टार्ट करो अब क्या स्टार्ट करोगे या जरूरी है हर पेशेंट में स्टार्ट करना तो इसके लिए फिर डायग्नोस्टिक टूल्स आते हैं क्या कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि भाई किस पेशेंट को क्या है एक तो हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस कर लिया जो मैंने अभी मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड स्कोर्स आपको बताया कि भाई ठीक है कैंडिडाट स्कोर कैलकुलेट कर लिया क्लिनिकल प्रोडिक्शन स्कोर कैलकुलेट कर लिया कोलोनाइजेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया उसके अलावा आपको दो तीन चीज़ें होती है एक तो होता है मनान एंटी मनान ऐसे होता है ठीक है जो हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी स्पेसिफिकली बहुत कम करते हैं फिर आता है सीरम गेलेक्टोमनान ऐसे ठीक है वो ज़्यादातर आपको एस्पर्गीस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है कैंडिडा के लिए थोड़ा कम सेंसिटिव है बट ठीक है तो एस्पर्गीस के लिए हमें गेलेक्टोमनान एसा करना है या फिर आप और क्या कर सकते हो बीटा डी ग्लूकान ऐसे ठीक है तो बीटा डी ग्लूकान एसे भी आप कर सकते हो ये सारे टेस्ट का ना सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत वेरिएबल है किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा उसका भी पॉजिटिव आ जाएगा किसी को इन्फेक्शन होगा उसको भी नेगेटिव आएगा इसका सेंसिटिविटी ऐसा रेंज में देता है 26 परसेंट टू 92 परसेंट अब आप कैलकुलेट करते रहो खुद से ऑलमोस्ट टोटल रेंज दे दिया ठीक है तो इसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वेरिएबल है लेकिन हमें डायग्नोसिस तो करना है किसी भी तरह पेशेंट को देखना है कि वह एंटी की ज़रूरत है या नहीं है तो ये सब कर सकते हैं कि मनान मनान ऐसे भेज सकते हैं एंटी मनान ऐसे भेज सकते हैं वन थ्री बीटा डी ग्लूकन ऐसे भेज सकते हैं है, या फिर आप कल्चर के लिए भेज सकते हो ब्लड कल्चर भेज दो उसमें भी कैंडिडा आता है ठीक है यूरिन में चेक कर सकते हो कैंडीडूरिया है कैंडिडियल इन्फेक्शन है यूरिन कल्चर सेंसिटिव में भी पॉजिटिव आ जाएगा इसके अलावा और बहुत सारे एडवांस टेस्ट होते हैं एक सेप्टीफास्ट हो टेस्ट होता है वो भी मतलब पीसीआर बेस्ड टेस्ट है वो जल्दी पता करने के लिए कि फंगल इन्फेक्शन है या नहीं तो ये सारे टेस्ट करके हम ये चेक करेंगे पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है अब ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं तो हमने देखा कौन से पेशेंट रिस्क पे है फिर देखा कौन से पेशेंट में क्या डायग्नोसिस करना है अब डायग्नोस्टिक किट्स का एक मैं बहुत ल, ल, मतलब लूप होल बताता हूँ कि अगर आप वन थ्री बीटा ग्लूकोन ऐसे कर रहे हैं या फिर आ, क्या कहते हैं मनान एंटी मनान ऐसे कर रहे हो या फिर आ, और भी कोई टेस्ट कर रहे हो तो इसका फॉल्स पॉजिटिविटी का रेट बहुत ज़्यादा है किसी पेशेंट को नॉर्मल से मिला है फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा किसी पेशेंट को पाइपरेसिल इंटेजेक्टिव मिले फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा किसी पेशेंट को अगर क्या कहते हैं एल्बोमिन मिला है उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने का डर रहता है तो एन तो ऑलमोस्ट सब कुछ देते हैं हम लोग तो फॉल्स पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये सारे टेस्ट बहुत सेंसिटिव नहीं माने जाते हैं अब आ जाओ कि उसको ट्रीटमेंट में क्या करना है अगर कैंडिडा है नॉर्मल कैंडिडा है बिनाइन है कैंडिडा एल्बिकेंस है तो उसमें आपको फ्लूकोनाजोल दे दो काम करेगा ठीक है कैंडिडा ग्लेबराटा है या कैंडिडा क्रूजी है उसमें आपको फ्लूकोनाजोल देके कोई फायदा नहीं है दे आर इंट्रेंजिकली रेजिस्टेंट टू फ्लूकोनाजोल ठीक है तो उसमें देखे कोई फायदा आपको नहीं होगा उसमें फिर आपको यूज करना पड़ेगा ड्रग्स लाइक एम्फोटेरसिन बी डी या लाइफोजल एम्फोटिन बी या यूज करना पड़ेगा ठीक है तीसरा चीज आता है एक आता है माउल्ड माउल्स मतलब कि जैसे कि इन्वेजिव एस्परगिलोसिस अगर आ जाता है तो इन्वेजिव एस्परगिलोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है वोरिकोनाजल ठीक है अगर एस्परगिलस का आपको कल्चर पॉजिटिव आता है जो कि आपको आ, तो आपको इन डैट केस आपको वोरिकोनाजल यूज करना है कैंडिडा आता है तो इन डैट केस आपको फ्लूकोनाजल यूज करना है कैंडिडा नॉन एल्बिकेंस मतलब कैंडिडा ग्लेबराटा आ गया क्रूजी आ गया इन डैट केस आप इकैनो कैंडिन या लाइपोजमल एम्फोटेसिन बी यूज़ कर सकते हो तो ये ड्रग ऑफ ड्रग चॉइस बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है सबसे पहले जो होता है वे दिस आर वेरी कॉस्टली ड्रग्स एक लाइपोजोमलोटिन बी अगर हम पेशेंट को लिखते हैं इट समथिंग अराउंड कॉस्ट समोर एंड हाफ लैक टू द पेशेंट फॉर द एंटायर कोर्स ठीक है तो कॉस्ट फैक्टर भी देखना है फंगिन फंगिन माइका ऑल दिस आर लाइक वेरी कॉस्टली ड्रग्स ठीक है आप एक ड्रग लिख के मतलब इट कॉस्ट इट द कॉस्ट ऑफ थेरेपी फॉर द पेशेंट्स अब वेन टू डी एस आपने एक पेशेंट को देखा ये डिसाइड किया कि ठीक है इसको हम फ्लूकोनाज देंगे कैसपो देंगे या फिर वरीकोनाजोल देंगे और एक बात मतलब आई के लिए मैं और एक बात बोलना चाहूँ किसी भी पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पर और नोरड और वेसो स्टार्ट होता है उसमें जनरली फ्लोकोनाजोल अवॉइड करना चाहिए ये भी एक बात है जो कि हम बहुत केसेस में नहीं करते ड्यू टू तो कॉस्ट फैक्टर कि अगर पेशेंट को हीमोडाइनिक इंस्टेबिलिटी आ जाता है तो उसमें फिर आपको इकाइनोकैंडीस पे मूव करना होता है या लाइपोजोमल एम्फोटेसिन बी या एम्फोटेरसिन बी डिओक्सी कोलेट यूज़ करना होता है तो अब आते हैं कब बंद करना है स्टार्ट तो आपने कर दिया पेशेंट को एसेस किया रिस्क फैक्टर को एसेस किया पेशेंट को डिसाइड किया कब कि कब स्टार्ट करना करना है है अब बंद कब करना है? एक लाइन में इसका आंसर है 14 डेज आफ्टर द लास्ट कल्चर फाउंड टू बी नेगेटिव ठीक है याद रहेगा कि आपने सपोज फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर को आपने देखा कि इसका आदमी का पॉजिटिव आता है और fifth, ट्वेल्थ या फिफ्टीन को देखोगे कि उसका नेगेटिव आ गया तो उसको फोर्टीन डेज और देना है नेगेटिव आने के बाद तब जाके आपका थेरेपी कंप्लीट होता है इसीलिए फ्लूको आप देखो चलता रहता है हफ्तों तक चलता रहता है तो इट इज़ बेसिकली फोर्टीन डेज आफ्टर नेगेटिव कल्चर डेट यू हैव टू स्टॉप द एंटी फंगल ड्रग याद रहेगा ये बात तो इस तरह हम एंटी फंगल स्टार्ट करेंगे इस तरह एंटी फंगल कंटिन्यू करेंगे और इस तरह एंटी फंगल्स को स्टॉप करेंगे ठीक है समझ में आए चलो ओके थैंक यू